मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। मुंबई से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां बीवी ने बुर्का पहनने से मना किया तो उसके शौहर ने उसकी चाकू मारकर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक आरोपी का नाम इकबाल शेख है। इसने अपनी बीवी रूपाली की सरेराह चाकू मारकर हत्या कर दी है। वजह बताई जा रही है कि रूपाली मुस्लिम रीति रिवाजों को नहीं मानती थी और बुर्का पहनने से मना कर दिया था। हालांकि इन दोनों के बीच में करीब 3 साल पहले प्रेम विवाह हुआ था। इनका एक बेटा भी है, मगर अक्सर इकबाल रूपाली पर बुर्का पहनने का दबाव डालते रहता था, जिसके वजह से दोनों के बीच में काफ़ी अनबन बढ़ गई थी और अनबन होने की वजह से ये दोनों अलग अलग रहने लगे थे। मगर आरोपी इकबाल शेख ने सोमवार को चेंबूर के PL लोखंडे मार्ग पर रूपाली को मिलने के लिए बुलाया और इस दौरान दोनों के बीच में बहस होने लगी। बहस के दौरान रूपाली ने तलाक की बात कर दी। तभी इकबाल ने चाकू से ताबड़तोड़ रूपाली पर कई वार कर दिए और वहां से फरार हो गया। हालांकि घटनास्थल पर ही रूपाली ने दम तोड़ दिया था, लेकिन मौके से फरार हुए इकबाल शेख को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया है कि इसके ऊपर गुनाह दाखिल कर इसे सलाखों के पीछे भेज दिया गया है।